गजब के एक्सप्रेशन देकर दर्शकों का दिल जीत लेने वाले कॉमेडी किंग यानी जॉनी लीवर का आज जन्मदिन है। फिल्म करण अर्जुन, चमत्कार, बाजीगर, तेजाब, गोलमाल 3 जैसी कई हिट फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी से दिल जीतने वाले जॉनी लीवर फिल्म दिलवाले और हाउसफुल 3 में भी नजर आए थे। तो आइए जानते हैं इस कॉमेडी किंग के बारे में उनके जन्मदिन पर कुछ खास बातें। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को कनेगिरी आंध्र प्रदेश के क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था और उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जानूमाला है। एक्टिंग करने से पहले वो हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी में काम किया करते थे और यहीं से उन्हें अपना ये नाम भी मिला। कंपनी में वो अपने फनी एटीट्यूड के लिए काफी फेमस थे। यहाँ से ही उन्होंने मिमिक्री का जादू दिखाना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉनी लीवर का बचपन बेहद तंगी में बीता। एक बार फीस न भरने की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अपने बचपन के दिनों में परिवार चलाने के लिए गलियों में पेन तक बेचा करते थे। बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उन पर जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी। इसलिए वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए और 7वीं क्लास के बाद इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। जॉनी को बचपन से ही मिमिक्री करने का शौक था। वो अक्सर अपनी कंपनी में भी सबकी नकल उतारा करते थे। धीरे धीरे जब जॉनी की कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी तो कुछ लोगों ने उन्हें स्टेज पर शो करने के लिए कहा और इसके बाद वो स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे। धीरे धीरे जॉनी लीवर का नाम बड़े कॉमेडियन के बीच लिया जाने लगा। जब जॉनी लीवर की आवाज को लोग पहचानने लग गए तो उन्होंने ऑडियो कैसेट के जरिए लोगों तक पहुंचने का तरीका निकाला और अपने प्रोग्राम हंसी के हंगामे के तहत काफी सारी कैसेट्स रिकॉर्ड की। लेकिन लाइफ में जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए था वो अभी मिलना बाकी था। जॉनी लीवर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पहली शादी सुजाता से की थी और इस शादी से उन्हें 2 बच्चे बेटा जेसी और बेटी जेमी हुए। उसके बाद 1991 में जॉनी लीवर ने दूसरी शादी सविता सैमक से की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड की मशहूर म्यूजिशियन जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए लाइव शो में भी परफॉर्म किया। टीवी पर जॉनी आला रे शो में भी जॉनी लीवर काफी मस्ती मजाक के मूड में ही नजर आते थे। साल 2007 में जॉनी लीवर मशहूर कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस के जज के रोल में भी दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि जॉनी लीवर मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। बात करें उनसे जुड़े विवाद की तो वैसे तो जॉनी लीवर हमेशा ही कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन साल 1998 में इन्हें दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई के बेटे के बर्थडे पार्टी पर बुलाया गया था, जहां भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय गान का अपमान करने के लिए जॉनी लीवर को 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि माफी मांगने पर उनकी सजा को घटाकर 1 दिन कर दिया गया था। एक और बात जो आपको उनके बारे में जानकर हैरानी होगी वो ये कि अपनी बेहतरीन कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट कर चुके जॉनी के जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्होंने फिल्में पूरी तरह छोड़ दी थी। उन्होंने अपना झुकाव धर्म और अध्यात्म की तरफ कर लिया था और वो धर्म के उपदेशक बन गए थे। एक इंटरव्यू में जॉनी लीवर ने अपने अंदर आए इस बदलाव की वजह बताते हुए कहा था कि ये ईश्वर की इच्छा थी। मैं हमेशा से एक धार्मिक इंसान रहा हूँ, लेकिन इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित था, मैं बहुत परेशान और लाचार हो गया था। मैंने फिल्में करना छोड़ दी थी और मैं अपना पूरा समय ईश्वर की प्रार्थना में लगाने लगा था। लेकिन फिर जब बाद में मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा बेटा खतरे से बाहर है और अब उसे कैंसर नहीं है। यहां से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। बता दें कि जॉनी लीवर एक रोमन कैथोलिक हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन बेटे के बीमार होने पर वो इसे पूरी तरह पढ़ चुके हैं और उनका मानना है कि ईश्वर की प्रार्थना से आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। इस घटना के बाद जॉनी ने तय कर लिया था कि वो आगे कभी अश्लील और डबल मीनिंग वाली फिल्में नहीं करेंगे। इस पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सच है कि इस तरह की फिल्मों ने मुझे स्टार बनाया, लेकिन मैं हमेशा ऐसे डायलॉग्स और सीन के खिलाफ रहा हूँ। जॉनी ने अभी तक 350 से ज्यादा फिल्में की हैं और अपने करियर में इन्हें कई ऐसे रोल भी मिले जिनकी वजह से ये लीड हीरो तक पर भारी पड़ गए। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, दीवाना मस्ताना और दूल्हे राजा जैसी कई फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते इन्हें अभी तक 13 बार फिल्मफेयर अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी इन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। दोस्तों, ये थी जॉनी लीवर की कहानी।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।